सो नमस्ते दोस्तों एंड गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम लोग फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके बीच एक नए और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जो कि हमारा है कैसे आखिर कैसे हमारा डायनासोर मरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आप जानना चाहते होंगे कि डायनासोर आखिर मरा क्यों, कैसे अभी अगर डायनासोर जिंदा होते तो हम लोग क्या आते धरती पे, ऐसा होता क्या। अभी आप जो भी जो है मूवी पे देखते हो डायनासोर के बारे में देखते हो कि ये डायनासोर है ये हम लोग ने देखा ही नहीं, तो कहाँ लुप्त हो गए वो, कैसे वो लोग मरे, तो ये सारे चीज को बारे में आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और आप जानेंगे कैसे जो है हमारा डायनासोर मरा और कैसे जो है हम लोग जन्म लिए। अगर डायनासोर नहीं मरता तो हम लोग भी नहीं आते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना कि कैसे डायनासोर मरे। और एज ए क्यूरियसियस मतलब क्यूरियसिटी, अगर आपको जो है इच्छुक है कि जानना, हाँ ये हमको तो जानना है, तो इस वीडियो के द्वारे आप जो है जान पाएंगे। तो देखिए, हम लोग आज जानेंगे कॉजेज ऑफ डायनासोर डेथ। ये सारे पॉइंट मैंने खुद से नहीं लिखा, ये जो है बहुत सारे साइंटिस्ट को द्वारा दिया गया है, और एक बहुत रियल थ्योरी के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एज वी नो डेट आफ्टर द ग्रेट स्ट्रगल ऑफ आवर अर्थ, अगर आप जानते होंगे क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो टॉपिक में बात कर चुके हैं कि कैसे हमारा गैलेक्सी बना, कैसे हमारा यूनिवर्स बना, कैसे हमारे सारे प्लैनेट्स बने, कैसे हमारा धरती बना, कैसे हमारा धरती फॉर्म हुआ, कैसे धरती पे पानी आया, कैसे जो है लाइफ आया, लाइफ आने के बाद हमारा डायनासोर आए, उसके बाद जो है अराउंड 20 करोड़ साल तक जो है उन्होंने रूल किया, उसके बाद क्या हुआ कि डायनासोर मर गए, तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एज वी नो That after the great struggle of our earth, हमारा जो है अर्थ जो है after great struggle means बहुत struggle के बाद हमारा धरती फॉर्म हुआ, धरती फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे पानी आया, पानी आने के बाद जो है वहाँ लाइफ आई, लाइफ आने के बाद जो है डायनासोर आया, ठीक है। देन जो है वाटर, फिर जो है लाइफ, फिर आया, फिर जो है डायनासोर रूल किया ओवर द वर्ल्ड, और जो है अराउंड जो है 15 या 20 करोड़ साल तक जो है हमारे डायनासोर जो है रूल किया। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड अबाउट द कॉजेज ऑफ डायनासोर डेथ, हम लोग जान लेते हैं कि फीचर एक डायनासोर फीचर क्या है, डायनासोर आखिर एक इम्पोर्टेंट फीचर क्या हो सकते हैं, ठीक है, आज हम लोग बारेंगे। देखिए, मेसोजिक एरा ये एरा है उस समय जो है हमारे धरती पे जो है डायनासोर रूल हुआ करते थे। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा जो है पीरियड है, मतलब ह्यूमन का समय है रूल का, उस समय जो है किसके रूल था, उस समय किसका रूल था, डायनासोर का रूल था। तो उस जो है पीरियड को हम लोग बोलेंगे मेसोजिक एरा, मतलब उस समय जो है उस पीरियड में जो है डायनासोर रहते थे हमारे धरती पे। उसके बाद द वर्ड डायनासोर फर्स्टली गिव बाय द रिचर्ड ओन क्या था, एक बहुत जो है ग्रेट साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि ये प्रजाति मतलब ये जो है स्पीसीज डायनासोर है। तो मतलब ये डायनासोर जो वर्ड अभी सुन रहे हो ना, तो ये किन्होंने दिया, इन्होंने दिया, रिचर्ड ओन ने दिया, ये ग्रेट साइंटिस्ट थे, कब दिया, 1842 को दिया, ठीक है। टेरापोड्स मतलब डायनासोर के पूर्वज कौन थे, टेरापोड्स, हमारे पूर्वज कौन थे, मैमल्स, तो ये है टेरापोड से ही जो है डायनासोर आए। डायनासोर के बाद जो है बहुत सारे जो है फ्लाइंग बर्ड्स आए, बहुत सारे प्रजाति आए, मैमल्स आए, उसके बाद जो है हम लोग का जन्म हुआ। देन डायनासोर का पीरियड कितना होता है, अगर अभी आप जानते होंगे कि हमारा जो है हम लोग कितने साल तक जी सकते हैं, हम लोग जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 साल तक जी सकते हैं या 80 ईयर्स तक जी सकते हैं, तो हमारे डायनासोर कितने जो है ईयर्स में तक जी सकते थे, तो वो है 20 साल से 200 साल तक जो है जी सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद जो डायनासोर कैन बी वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मतलब क्या है, डायनासोर जो है कुछ जो है डायनासोर बहुत शांत हुआ करते, कुछ जो है डायनासोर इतना भयानक हुआ करते, कुछ डायनासोर इतना छोटा हुआ करते, कुछ डायनासोर जो बहुत भयानक बहुत लंबे लंबे हुआ करते, कुछ डायनासोर पत्ती खाते, पत्ती मतलब घास खाते, जो है कली खाते, उसका कुछ डायनासोर जो है मांस खाते, किसके मांस खाते, अपने ही डायनासोर को ही जो है किल करके मांस खाते, ठीक है।
ठीक है, कुछ जो जो शांत स्वभाव के होते हैं, ठीक है। डायनासोर एविडेंस फाउंड एवरीवेयर, अभी हम लोग कैसे मालूम किया कि डायनासोर इस रीजन से मरा, क्यों? क्योंकि इस समय हमारे धरती पे जो है डायनासोर का एविडेंस मिल रहा है, बहुत बहुत जगह पे जो है डायनासोर का एविडेंस मिल है, तो उससे जो है हम लोग एस्यूम करके पता किया कि यस डायनासोर का ये जो है डेथ हो सकता है, ये रीजन हो सकता है, ये जो है बड़े इतने हो सकते हैं, ये जो है इतने छोटे हो सकते हैं, ये जो है ये मे बी जो है ये खाते होंगे, तो इसका वजह से हम लोग को आज पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। उसके बाद जो 25 करोड़ साल पहले, आज से जो है 25 करोड़ बैक चले जाएंगे, तब जो है हमारा डायनासोर जो है रहते थे, डायनासोर आए थे और डायनासोर जो है रूल किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डायनासोर के बारे में, ये डायनासोर को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, देयर आर मेनी थ्योरीज टुवर्ड द कॉजेज ऑफ डायनासोर, बहुत सारे थ्योरीज जो है साइंटिस्ट ने दिया कि यस ये जो है रीजन है डायनासोर का डेथ होने का कारण। तो हम लोग जो है उसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रियल थ्योरी के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये दो जो है थ्योरी के भी हम लोग जानेंगे उसके बारे में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने दावा किया है कि ये दो थ्योरी का वजह से ही डायनासोर का डेथ हुआ, तो उस थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो देयर आर मेनी थ्योरीज टुवर्ड द कॉजेज ऑफ डेथ ऑफ डायनासोर, बट वी डिस्कस द टू मोस्ट रियल और टू मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी गिवन बाय द साइंटिस्ट। दो थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो है दो थ्योरी को आप जानने के बाद आप समझ पाएंगे कि यस ये कॉजेज है डेथ होने का डायनासोर का, ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो दो थ्योरी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है जो कि दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, कैसे मरा जो है हमारा डायनासोर, ये दो थ्योरी से आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि यस इसके वजह से जो है मे बी क्यों बोल रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी जो है कल्पना ही किया है कि ऐसे ऐसे हो सकता है और कुछ एविडेंस मिले हैं उसका वजह से ही हमारा जो है डायनासोर मरा। देखिए, फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे धरती पे वोल्केनो इरप्शन हुआ करते थे उस समय, या जब डायनासोर रहा करते थे उस समय जो बहुत सारे जो वोल्केनो जो इरप्शन हुआ करते थे, तो वोल्केनो इरप्शन के वजह से मे बी जो है हमारे सारे डायनासोर मर गए। वोल्केनो इरप्शन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत बड़े बड़े होने के कारण जो है हमारा डायनासोर मर गए, क्योंकि ये वोल्केनो इरप्शन क्या रिलीज़ करता है, हीट रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, उसके बाद जो है बहुत बड़े 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 जो है लावा इंक्रीज होता है, फिर जो है क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो इसका वजह से शायद जो है हमारे डायनासोर मर गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ड्यू टू वोल्केनो इरप्शन ऑल द हमारे सभी जो है डायनासोर मरे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डायनासोर डाइड ड्यू टू द टेरिफाइंग वोल्केनो इरप्शन, छोटा मोटा इरप्शन नहीं, बहुत बड़ा और बहुत भयानक जो है वोल्केनो इरप्शन के कारण जो है ये रिलीज किया, क्या रिलीज किया वोल्केनो ने, हीट रिलीज किया। हीट रिलीज करने से क्या होगा, हमारा जो है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारे डायनासोर जो है जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग भी जो है एक स्पेसिफिक जो है टेम्परेचर में ही जी सकते थे। तो हाई होने के कारण सभी जो है डायनासोर मर गए, हार्मफुल गैसेस जो है उसमें हमारे इन्वायरमेंट में जो है इमर्ज हुआ, क्योंकि हार्मफुल गैसेस के कारण भी तो मर सकते हैं, क्योंकि डायनासोर क्या बेसिकली ऑक्सीजन ही के बदौलत जो है जी रहे थे, तो हार्मफुल जो है गैसेस जो है इन्वायरमेंट में मिलने के कारण वो लोग जो है सांस नहीं ले पाए, उसके वजह से भी मर सकते थे। उसके बाद जो है वहाँ पे जो है आग लगनी स्टार्ट हुई, तो बहुत सारे जो है जंगल जो है जल के राख हो गए, तो वे लोग क्या खाएं, तो उसका वजह से भी जो है डेथ जो है हो गया डायनासोर का। और ड्यू टू दिस अर्थ क्लाइमेट जो है सडन इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ, 200 से भी ज़्यादा जो है हमारा अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका वजह से ही जो है हमारा जो है डायनासोर मर गए, ठीक है। द लास्ट थ्योरी डेट इज ड्यू टू एस्ट्रॉइड, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत जो है एक्सेप्टेबल और रियल थ्योरी है अकॉर्डिंग टू द डेथ ऑफ
डायनासोर। अकॉर्डिंग टू दिस हमारे जो है धरती पे एक बहुत बड़े जो है एस्ट्रॉइड जो है गिरा, गिरने के कारण जो है एस्ट्रॉइड क्या, जब हमारे जो है धरती पे एस्ट्रॉइड गिरता है तो क्या होता है, बहुत सारे जो है एस्ट्रॉइड के गिरने के कारण सुनामी इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है, उसके बाद जो है अर्थक्वेक आने लगती हैं, बहुत सारे जो है धूल जो है उड़ने लगते हैं, बहुत सारे जो है जंगली जो है जानवर मरने लगते हैं। तो ड्यू टू एस्ट्रॉइड कैसे गिरते हैं पहले ये आपको ये जानना होगा। देखिए सारे जो है प्लेनेट पे एज वेल एज हमारा सन पे उस खुद का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है एक जो है रॉकी ऑब्जेक्ट को जो है टान लेता है, मतलब जो है हमारे प्लेनेट में सभी के पास जो है खुद का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब जितना बड़ा उतना ही जो है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये सारे जो है प्लेनेट के पास खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है छोटे ऑब्जेक्ट को जो है खींचने के कारण ये बड़े जो है ये छोटे ऑब्जेक्ट या बड़े ऑब्जेक्ट जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड मीन्स जो है रॉकी ऑब्जेक्ट। तो ये रॉकी ऑब्जेक्ट जो है प्लेनेट पे गिरते हैं और ये गिरने के कारण तबाही मचा जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉजेस था हमारा जो कि एस्ट्रॉइड था, एस्ट्रॉइड का वजह से ही जो है हमारा जो है डायनासोर मरे। तो बेसिकली ये एस्ट्रॉइड कहाँ पे गिरा, ये जो है हमारे मेक्सिकन जो है खाड़ी पे गिरा, इसका वजह से जो है हमारा धरती हमारे जो है डायनासोर सभी मर गए, ठीक है। तो बिफोर 7 करोड़ ईयर्स एगो, आज से आप जो है 7 करोड़ पीछे चले जाओगे तो एक भयानक सा जो है एस्ट्रॉइड, बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जो है हमारे धरती से टकराया, ठीक है। ए मैसिव एस्ट्रॉइड विथ ग्रेट स्पीड, जब जो है सामने जो है धरती का जो है इन्वायरमेंट में जब एस्ट्रॉइड आता है ना तो उसका स्पीड इतना हो जाता है, इतना भयानक हो जाता है। उसके बाद जो है जब जो है ये एस्ट्रॉइड ये जो है रॉकी ऑब्जेक्ट धरती के इन्वायरमेंट में धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है ना, तो ड्यू टू ग्रेट घसरण के कारण, ड्यू टू जो है ग्रेट स्पीड के कारण ये जल उठते हैं। जल उठने के कारण हमारे धरती पे जो है क्या होता है, जो सभी जो है पेड़ पौधे जल जाते हैं, सुनामी आ जाता है, अर्थक्वेक भयानक अर्थक्वेक आ जाते हैं, इनके कारण ही जो है एस्ट्रॉइड मर गए होंगे, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, ग्रेट जो है हमारे जो है ग्रेट जो है टेरिफाइंग जो है कोलाइडेड हुआ, मींस टकराया ड्यू टू द एस्ट्रॉइड हमारे धरती से। व्हेन द एस्ट्रॉइड एंटर इन आवर एटमॉस्फेयर, जब ये एस्ट्रॉइड ने जो है हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में जो है टकराया या एंटर हुआ, तो सो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण, स्पीड के कारण वो जो है एस्ट्रॉइड जल उठा। जल उठने के कारण जब धरती पे गिरा तो क्या लाया, बहुत बड़ा सुनामी लाया, मैंने पहले ही बोला, उसके बाद जो है अर्थक्वेक लाया और सभी जो है प्लांट सभी ट्री सभी फॉरेस्ट जलकर राख हो गए और बहुत सारे जो है क्या, बहुत सारे डायनासोर जो है मर गए। जब जो है एस्ट्रॉइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर से एंटर हुआ तो इतना बड़ा जो है रेडिएशन छोड़ा हमारे इन्वायरमेंट में, इसके कारण जो है हमारा डायनासोर जो है अंधे हो गए, इतना जो है हीट एनर्जी हुआ, इतना लाइट एनर्जी हुआ उनको देखने के कारण जो है उनका आँख जो है सडन जो है ब्लाइंड हो गया, अंधेरे हो गए, उसके बाद जो है जलकर जो है ख़त्म हो गए। ओके, ड्यू टू कोलाइडेड ऑफ एस्ट्रॉइड प्रोड्यूस मैसिव हीट जो है रिलीज हुआ, लाइट हुआ, वोल्केनो इरप्शन हुए, इंक्रीजेज अर्थ टेम्परेचर 200 से ज़्यादा हो गया था उस समय। उसके बाद जो है ग्रेट सुनामी आया, सुनामी आने के कारण क्या होता है, सभी चीज़ जो है लेके चला जाता है सुनामी। उसके बाद जो है ग्रेट अर्थक्वेक आए, अर्थक्वेक आया, उसके बाद जो है ठीक डस्ट स्टॉर्म, मतलब इतना जो है धूल के इतने बड़े बड़े मोटे मोटे तूफान आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो है हमारा जो है डायनासोर का अंत जो है पूरा ख़त्म हो गया और जो जो है प्रजाति जो है फ्लाइंग थे ना, फ्लाइंग मतलब जो उड़ पाते थे वो लोग तो उड़ के चले गए ऊपर, लेकिन उनका भी मौत हुआ। क्यों, कैसे, क्योंकि जो है एस्ट्रॉइड का कुछ कर्ण ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद जो है फिर जो है वो नीचे आने के कारण उनका भी जो है विनाश हो गया, ठीक है। ऑल द स्पीसीज ऑफ डायनासोर डाइड, फ्लाइंग जो भी डायनासोर थे उनका भी मौत हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ए फ्यू स्पीसीज, कुछ जो है थोड़ा सा स्पीसीज जो है बच गए, वो थे हमारे मैमल्स जो है उस समय बच गए थे। कैसे बचे, क्योंकि वे लोग जो है धरती के नीचे रहने लगे, तो रहने से कारण क्या होगा, वो लोग जो है हीट से जो है बचे रहे, सुनामी से बचे रहे। उसके बाद जो है मैमल्स जो है
सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना, जीने के लिए जो है कुछ तो खाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मेमल्स जो है कुछ भी खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेमल्स जो है आए, डायनासोर के बाद मेमल्स हुआ, मेमल्स के बाद जो है बहुत सारे प्रजाति आए, उसके बाद जो है हम लोग भी आ गए, ठीक है। और ए फ्यू स्पीसीज अलाइव ऑन अर्थ लाइक जो है मेमल्स आया, और जो है मेमल्स जो है बच गए उस समय की घटना से, जब एस्टेरॉयड जो है अर्थ से टकराया तो मेमल्स जो है बच गए। कैसे बचे? क्योंकि ये लोग जो है धरती के बहुत नीचे जो है अपना घर बनाया, उसके बाद जो है जब बनाया तो सुनामी से बच गए वे लोग, उसके बाद जो है ग्रेट हीट से बच गए, ठीक है। और बचे, फिर बचने के लिए वो लोग जो भी कुछ मिलता उन्हीं को खा लेते, ठीक है। दिस मेमल्स कन्वर्टेड इंटू मैनी स्पीसीज, फिर जो है मेमल्स से फिर बहुत कुछ आया स्पीसीज, उसके बाद जो है हम लोग भी आ गए। तो आई होप ये दो थ्योरी बहुत रियल थ्योरी है, आपको समझ में आया होगा कि क्या जो है रीजन था किसका, डायनासोर डेथ का। तो अगर 1% भी आपको हेल्पफुल पहुंचाया है ये वीडियो, तो लाइक द चैनल, मीन्स लाइक द वीडियो, और जो है शेयर द वीडियो, और जो है सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नाराज़ बिल्कुल मत होइएगा, अपने जो है लाइफ में जो है हार्डवर्क करते जाइए, मेहनत करते जाइए, अपने मम्मी पापा की नाम भी रोशन करते जाइए, यही मेरा आपसे कहना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइज।